पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी दौरा और ध्यान साधना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि 180 सभाएं लेकर देश गुमराह किया है, इसी कारण पंतप्रधान ने मौन व्रत धारण किया है। 180 सभाएं लेकर देश को जितना गुमराह किया है, शायद उनका पश्चाताप के लिए वो इस तरह का मौन व्रत धारण करने के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये परमानेंट हो जाए उनका मौन, तो देश सुखी हो जाएगा और देश में आबादी आएगी। जो आज जनता परेशान है तानाशाही से, जुमलेबाजू से, इससे मुक्ति मिलेगी और वो मुक्ति 4 तारीख को वैसे भी मिलने वाली है, तो परमानेंट वहाँ पे बैठना ना पड़े, यही देश देख रहा है। नहीं, राजनाथ सिंह जाते जाते झूठ बोल रहे हैं। ये भाई ये पाकिस्तान की बात लेकर देश को गुमराह कर रहे। 10 साल में इन्होंने देश को उजाड़ दिया है। अगर 180 सभाएं देश के पंतप्रधान को लेनी पड़ती है तो इसी से पता चलता है कि ये सरकार कैसी होगी। अगर काम करते तो 2 सभा में भी वे चुनाव जीत जाते, पर 180 सभाएं लेना, तो इसमें ये सरकार का फेल्यूर है। ये सरकार के हर नीतियों पे पराजय है। ये जनता को इन लोगों ने खड्डे में डाला था, यहाँ के किसान और युवाओं को बर्बाद किया था, तो उसके लिए ये जिम्मेदार थे। इसीलिए इनको 180 सभाएं लेकर लोगों को लुभाने की कोशिश करनी पड़ी, यही ये सरकार की नाकामी है, ये मैं समझता हूँ।